हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियन किचन। आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट और पौष्टिक मेथी का पराठा। आप इन्हें सुबह के नाश्ते में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम मेथी ली है। इसे हमें अच्छे से धोकर बारीक काट लेना है। तो हमने इसे अच्छे से धोकर काट लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी गेहूँ का आटा और डाल देते हैं 1/2 कटोरी बेसन। अगर आप बेसन नहीं खाना चाहते तो आप केवल गेहूं के आटे से भी इन्हें बना सकते हैं। और इसमें हमने डाल दिया है कुटी हुई मिर्ची, अदरक और लहसुन, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चुटकी हींग, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच घी डाल देते हैं। इससे पराठे बहुत ही नरम बनते हैं। अब हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका टाइट आटा गूंथ लेना है। तो हमने आटा गूंथ लिया है और अब हम बना लेते हैं इसके पराठे। तो हाथों में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसकी एक लोई बनाएंगे। तो इस तरह से हमने लोई बना ली है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और अब हमें इसे बेल लेना है। आप चाहे तो इसे तिकोना शेप भी दे सकते हैं। तो हमने इसे बेल लिया है और इसे हमने थोड़ा पतला ही रखा है और चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। और इधर हमने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है और इस पर हम डाल देते हैं थोड़ा सा घी ताकि पराठा चिपके ना। और अब हम इस पर डाल देते हैं बेला हुआ पराठा। इसे हमें दोनों साइड से घी लगाकर अच्छे से सेक लेना है। तो पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं और ऐसे ही हमें सारे पराठे बना लेने हैं। तो मेथी के खस्ता और मसालेदार पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें किसी भी चटनी, टमाटो सॉस या फिर दही के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।